सारी पुस्तकें? पुस्तकें नहीं, मूर्ख की ग्रंथ है, ग्रंथ। अच्छा ग्रंथ है, गुरुजी ने को सिखाया ही नहीं मुझको। पंडित रामकृष्णा, ये तेलुगु एवं संस्कृत भाषा में लिखे हुए कुछ ग्रंथ हैं, जिनकी रचना स्वयं हमने की है। अब आपको इन ग्रंथों को निर्धारित समय में अर्थात एक माह के भीतर भीतर अनुवाद करना होगा। वो भी प्रचलित भाषा में, जिसे विजयनगर राज्य की प्रजा इसे सरलता से पढ़ और समझ पाए। और यदि इस कार्य को करने में आप असमर्थ रहे तो पंडित रामकृष्णा, अष्ट दिग्गज के पद पर बने रहने के लिए आपको पुनः परीक्षा देनी होगी। ये मरा पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्णा इस बार नहीं बच पाएगा। बिल्कुल नहीं बचेगा। जी जी महाराज। अद्भुत। पंडित रामकृष्णा, इतनी अल्प अवधि में 5 ग्रंथों का अनुवाद करना असंभव है। आपका अष्ट दिग्गज का पद तो गया। गुरुवर। जी महाराज। हम चाहते हैं कि इस कार्य में आप पंडित रामकृष्ण की सहायता करें। इन्हें उचित दिशा निर्देश दें, इन्हें अनुवाद करने में सरलता हो जाएगी। गुरुवर, किस विचार में पड़ गए आप? गुरुवार। जी 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 महाराज, हम ये सोच रहे हैं, पंडित रामकृष्णा आपके प्रमुख सलाहकार, विजयनगर राज्य के अष्ट दिग्गज विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, श्रेष्ठ पंडित हैं, भला हम इन्हें दिशा निर्देश कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते महाराज। आप तो जानते हैं महाराज, पंडित रामकृष्णा हमारा कितना आदर सत्कार करते हैं। अब यदि हमने इनके साथ मिलकर ग्रंथों का अनुवाद किया तो हमारे और इनके विचारों के मध्य टकराव हो जाएगा महाराज। हम इनसे असहमत रहेंगे, ये हमसे असहमत रहेंगे। हम कहेंगे ये क्या है, ये कहेंगे ये क्या है। हम कहेंगे ये नहीं हो सकता है, ये कहेंगे ये नहीं हो सकता है। हम कहेंगे उत्तर, ये कहेंगे दक्षिण। हम कहेंगे दाएं, ये कहेंगे बाएं। गुरुवार, मुद्दे पर आइए। समस्या हो जाएगी महाराज, अत्यंत गंभीर समस्या हो जाएगी महाराज। हमारे और पंडित रामकृष्णा के मध्य जो आत्मीय संबंध है उन पर संकट आ जाएगा। महाराज, हमारा आपसे अनुरोध है कि ये कार्य आप पंडित रामकृष्णा को स्वतंत्रता पूर्वक करने दीजिए। गुरुजी आए हुए मौके को हाथ से जाने दे रहे हैं। लेकिन गुरुजी को आता भी तो कुछ नहीं है। महाराज, पंडित रामकृष्णा को हमारी शरण में भेज रहे हैं, हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। और हाँ महाराज, साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा है तो हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते, परंतु हम अपने निर्णय पर पुनः विचार अवश्य कर सकते हैं। बस हमारी एक शंका का निवारण कर दीजिए। कैसी शंका है आपको गुरुवर? हमारा यही कि पंडित रामकृष्णा हमारी आज्ञा अर्थात हमारे दिशा निर्देशों का पालन हृदय से करेंगे। गुरुवर, आप विजयनगर राज्य के राजगुरु हैं, हमारे राजगुरु हैं। आपके कथन का पालन तो स्वयं हम करते हैं, तो पंडित रामकृष्णा क्यों नहीं करेंगे? करना पड़ेगा बच्चे। हम आपकी शंका अभी दूर किए देते हैं। पंडित रामकृष्णा। जी महाराज। हम चाहते हैं कि आप अनुवाद का यह कार्य गुरुवर के संरक्षण में करें, उन्हें हमारी भांति अपना गुरु मानकर उनकी हर आज्ञा का पालन करें। एक उसी प्रकार जिस प्रकार हम करते हैं। मर गए। क्या कहा पंडित रामकृष्ण? मन से महाराज, मन से आज्ञा का पालन करूंगा। अद्भुत।
पंडित रामकृष्ण, स्मरण रहे आप हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हमारी इच्छा है कि आप ये कार्य नियम द्वारा निर्धारित समय में पूर्ण करें। इसके लिए आपको गुरुवर की सहायता की आवश्यकता होगी, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। उनके सानिध्य में रहकर आप ये कार्य सरलता से कर पाएंगे। धन्यवाद महाराज। मनी, हाँ? जब ये हमारे गांव से गुरुजी गांव से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना, सच में गांव से बड़ा गर्व महसूस होता है इनके शिष्य होने पे। तभी तो इनको कहा गया गिरगिट का दादा। सरल नहीं महाराज, अपितु गुरुवर को मेरा मार्गदर्शक बनाकर आपने मेरे लिए ये कार्य अत्यंत ही दुष्कर कर दिया है। गुरुवर अब मुझे धो धो कर पीटेंगे, अपनी समस्त शक्ति से निचोड़ कर कड़ी धूप में शुष्क होने के लिए छोड़ देंगे। लामा, तू मेरे लिए नई पुस्तक लाया? हाँ गुंडप्पे, तेरे लिए लाया, पढ़ना, बड़ा आनंद आएगा। है? लामा, ये क्या लिखा है? मैंने तो कुछ पढ़ने नहीं पढ़ा, क्या आनंद आएगा? कैसे पढ़ने पड़ेगा? ये तेलुगु और संस्कृत में लिखी गई ग्रंथ है जो महाराज ने स्वयं लिखी है। तब वो चाहते हैं कि मैं इसका अनुवाद प्रचलित भाषा में करूं। प्रचलित भाषा में अनुवाद क्यों? पूर्व तेलुगु और संस्कृत में ग्रंथ लिखे, उसके पश्चात तुझे प्रचलित भाषा में अनुवाद करने के लिए कहा। जब महाराज ग्रंथ लिख ही रहे थे तब प्रचलित भाषा में ही लिख देते। वाह वाह वाह, देखो तो अम्मा को कितनी बुद्धिमान है। अम्मा, तुम कल एक काम करना, मेरे साथ दरबार चलना और वहां स्वयं ये प्रश्न महाराज से पूछ लेना। हा? कभी की आवाज बुद्धिदास जी, इसे कहते हैं पुस्तक। अरे कहीं वो बुद्धिदास फिर से तो नहीं आ गया? अरे ये तो बुद्धिदास ही है, ये वापस कहां से आ गया? बुद्धिदास, अम्मा आज का दिन कितना शुभ है, देखिए हमारे निवास स्थल पर अतिथि देव आए हैं। अतिथि देव नहीं, तुम्हारे संबंधी आए हैं। जाओ गले मिलो। अरे अब ये नई मुसीबत कहां से आ गई? जो भी हो, मैं गुरुवर के घर जाकर आता हूँ। गुंडप्पे, जा ग्रंथों वाली पोटली लेकर आ। गुरुवर के घर जा रहा है, उचित है। बुद्धिदास को भी अपने साथ ले जा, ये तेरी ग्रंथों के अनुवाद करने में सहायता करेगा। वाह, धन्यवाद अम्मा। तुम्हें ये अतिथि देव लगता है तो तुम ही से संभालो। महाराज ने गुरुवर को मेरा मार्गदर्शक बनाया है, उनके संरक्षण में मुझे ग्रंथों का अनुवाद करना है, इसलिए उनके घर जा रहा हूँ। लदे, और मैं जब तक वापस आऊँ ये मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए, भगा देना इसे यहाँ से। भाग जाना तू यहाँ से। शलदा, बुद्धिदास भूखा प्रतीत होता है, हम अभी इसके लिए कुछ खाने को लाते हैं। ईश्वर, ये सब प्रतीत होता है उस गधे बुद्धिदास ने ये सब किया है। हे बेचारे, उसे गधा कहने का परिणाम भुगत रहे होंगे।
किंतु ये समझ में नहीं आया कि बुद्धिदास पुनः विजयनगर आया क्यों है। संभाल के भाई। बहन भानुमति, कुछ दिन और रुक जाती तो हमें अच्छा लगता। हाँ कृष्ण, कृष्ण हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। कृष्ण तुम हमारी आंखों के तारे हो। वैसे तो हम तुम्हारी बड़ी बहन है, लेकिन प्रेम हम तुम्हें तुम्हारी माँ से भी अधिक प्रेम करते हैं। हम भी आपको माँ से बढ़कर मानते हैं। अब हमें जल्दी से आज्ञा दो। बस बस। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। महाराज। प्रेम है भानुमति बहन का। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। पंडित रामकृष्ण आ रहे हैं। ग्रंथों की पोटली उठाए हुए। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, आने दो, आने दो। तुम दोनों को क्या था ना क्या करना है? कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हाँ मैं याद है गुरुजी। इस बार कोई त्रुटि नहीं होगी गुरुजी। सुनो, यदि कोई त्रुटि हुई तो परिणाम बहुत बुरा होगा। आइए पंडित राम। स्थान ग्रहण कीजिए। बैठ बैठ आराम से। बैठ। प्रणाम पंडित रामकृष्ण जी। प्रणाम धनी मनी। गुरुवर कहाँ है? हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी तो पूजा कक्ष में हैं और प्रभु ध्यान में लीन हैं। गुरुजी से मिलना है तो पंडित रामकृष्ण जी आपको प्रतीक्षा करनी होगी। उचित है। आनंद आ गया। वाह, आते ही होंगे। वाह, कहाँ रह गए गुरु जी? बाहर क्यों नहीं जा रहे? चल बैठते हैं। प्रतीत होता है गुरुवर गहरे ध्यान में डूब गए हैं। नहीं? आप सही समझे, सही समझे। उचित है तो मैं कल आऊंगा। गुरुवर को मेरा प्रणाम कहना। हाँ जी 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 जी, अवश्य कह देंगे। बिल्कुल कह देंगे। प्रणाम। 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 चल के देखते हैं। गुरुजी,
जी गुरुजी गुरुजी उठिए, आप यहाँ सो रहे हैं। उधर पंडित रामकृष्ण जी चले गए। चले गए? हाँ। अच्छा हुआ। पंडित रामकृष्णा, तुम्हारा एक दिवस तो हो गया व्यर्थ, अब मात्र 29 दिवस शेष है, 30 में कम। हम भी देखते हैं तुम कैसे महाराज द्वारा रचित ग्रंथों का अनुवाद करते हो और कैसे बचाते हो अपना अष्ट दिग्गज का पद। महोदय, आप कौन हैं और आप उल्टा क्यों चल रहे हैं? हम मुल्ला नसुद्दीन हैं जनाब, और मंजिल तक जल्दी पहुंचने के लिए इस उल्टी दुनिया में हमको सीधा चलना पड़ती है। आप स्वयं उल्टा चल रहे हैं, दुनिया तो अपने मार्ग में सीधी ही चल रही है। तुम्हारा नाम क्या है बरखुरदार? मृग चंदन राव। अरे ये सीधा चलना भी बड़ा चलना होता है। मृग चंदन राव बात करती है। अत्यंत ही विचित्र पुरुष है। महोदय, इस तरह उल्टा चलोगे तो किसी चीज से टकरा जाओगे। टकरा जाओगे? ये आईना हमारा रेनुमा है, झोला संभालो अपना, टकरा जाएगी। बात करती है। ये लो, अम्मा शारदा ने इसे अभी तक भगाया भी नहीं है। क्यों भगाएंगी? मुझ जैसा दूसरा प्राणी जो उन्हें मिल गया है। नहीं नहीं तो ये सही। बुद्धि दास भी ना। अरे अभी तो इसे भोजन दिया था, फिर क्यों रेख रहा है? मैंने तुम्हें कहा था ना इस बुद्धि दास को यहाँ से भगा देना, किंतु नहीं, तुमने तो उसे अतिथि देव बना रखा है। और घास खिलाओ। मैं बता रहा हूँ, ये बुद्धि दास हमारे घर के बाहर डेरा जमाए हुए है, ये वहाँ से हिलेगा भी नहीं, नहीं जाएगा यहाँ से। मैं कार्य करता हूँ, मैं स्वयं ही उसे नगर के बाहर छोड़कर आता हूँ। बुद्धिदास भी एक जीव है और हमारे नगर स्थल पे वो अपनी इच्छा से आया है। आप अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। अतिथि, तू भूल गया? पहले तूने कौओं का भी अपमान किया था, परिणाम तुझे ज्ञात है। बुद्धिदास को भूख लगी होगी, हम उसे कुछ खाने को देते हैं। हाँ लिख रहा हूँ। खिलाकर आते हैं। खिलाकर आते हैं। बुद्धिदास शांत हो गया, उठा लो। तुम ही उठाओ, तुम्हारा अतिथि देव है। बुद्धिदास को नहीं, स्वयं को उठा लो और सो जाओ। आपको सोना नहीं है? नहीं। महाराज ने ग्रह कर दिया।